हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज हम जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के एक बहुत ही ज़्यादा अहम फैसले के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है प्रॉपर्टी से। सवाल ये था कि ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर उसकी मालकिन पत्नी है, तो उस प्रॉपर्टी पर पति के क्या अधिकार हो सकते हैं। तो शुरू से आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, और वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए ये कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बारे में जानकारी है, वो प्राथमिकी यानी कि FIR को दर्ज करा सकता है। कोर्ट ने एक प्रॉपर्टी के मालिक के पति को ऐसी प्रॉपर्टी के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए FIR दर्ज करने के अधिकारों के बारे में बात की, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की प्रॉपर्टी की देखभाल करना और उसकी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। इस केस की सुनवाई जस्टिस रजनीश ओसवाल कर रहे थे। इस केस में IPC की धारा 448 जो कि हाउस ट्रेसपास के लिए सजा का प्रोविजन करती है, और IPC की धारा 427 के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई FIR से आपराधिक चलान को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका को दायर करते हुए ये डिमांड की गई थी कि प्रतिवादी पति का इस मामले में कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि अपराध उसकी पत्नी की प्रॉपर्टी पर किए गए थे। कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी की खरीदार महिला का पति होने के नाते पत्नी की प्रॉपर्टी की देखभाल करना और उसकी रक्षा करने का उसे पूरा अधिकार है, और ये नहीं कहा जा सकता कि वो उस प्रॉपर्टी के लिए बिल्कुल अजनबी है और उसे FIR दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति FIR को दर्ज करा सकता है जिसे कि संज्ञेय अपराध होने के बारे में जानकारी हो। केस की बात करें तो पति ने कहा था कि उसकी पत्नी ही उस प्रॉपर्टी की मालकिन है, और उस प्रॉपर्टी को 1996 में खरीदा गया था। पति का दावा था कि उसकी पत्नी ने ही उसे खरीदा था। ये केस सिटी जज जम्मू कश्मीर की अदालत में पेंडिंग था, और इसे पेंडिंग रहने के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा प्रॉपर्टी की चार दीवारी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। केस में बार बार यही कहा गया था कि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, उस प्रॉपर्टी की मालकिन उसकी पत्नी है, इसलिए पति को कोई अधिकार नहीं है कि वो उसके रिलेशन में कोई FIR को दर्ज कराए। लेकिन न्यायमूर्ति ओसवाल ने उनकी दलील को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी मामले में संज्ञेय अपराध की जानकारी रखने वाला व्यक्ति FIR को दर्ज करा सकता है। इस तरह से अपना फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। फ्रेंड्स, अगर आपको इस जजमेंट की PDF कॉपी का लिंक चाहिए तो वो आपको नीचे मिल जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।